हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन नोमैड। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड और फिफी आइलैंड के डिफरेंसेस क्या है और क्या दोनों ये टूर्स एक दिन में कर सकते हैं, कहां पे जाने चाहिए अगर आपके पास सिर्फ एक दिन हो तो आज ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करते हैं चलिए इस वीडियो में। अभी हम लोग क्राबिस से फिफी आइलैंड जाएंगे कल, तो इनसे मैंने ली है बुकिंग, बहुत ही सस्ती में दिया है और गुड टूर दिया है, तो 1450 में दिया, बहुत ही डिस्काउंट दिया है, आराम से ले सकता है। फिफी आइलैंड्स और जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये दोनों आइलैंड्स बहुत ही फेमस है और ये दोनों आइलैंड्स में हॉलीवुड मूवी शूट किया गया था, द बीच स्टारिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो और द मैन विद द गोल्डन गन, जो कि एक जेम्स बॉन्ड की मूवी है, इसलिए उस जगह का नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड और फिफी आइलैंड दोनों फुकेट और क्राबी के बीच में है, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। फिफी आइलैंड क्राबी के पास है और इसलिए टूर्स नॉर्मली क्राबी से थोड़ा सस्ती हो सकती है कंपेयर्ड टू फुकेट। लेकिन दोस्तों, अगर आप जेम्स बॉन्ड जाते हो तब आपको फुकेट से थोड़ा सस्ते टिकट्स मिल सकते हैं। तो फिर दोस्तों, जेम्स बॉन्ड जाए या फिफी आइलैंड जाए, दोस्तों अगर आप वो पर्सन हो जो लाइक टू लेज ऑन ए सैंडी बीच, आप सैंडी बीच में आराम करना चाहते हो या स्विम करने के आपको अच्छा लगता है क्लियर ब्लू की सीज में, तब फिफी इज द प्लेस फॉर यू। बहुत ही सुंदर जगह है फिफी विथ व्हाइट सैंड बीच एक्सेट्रा। और दोस्तों, जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर जो है वो एक्चुअली उन लोगों को पसंद आएंगे जो वाइल्ड नेचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वहाँ के लाइमस्टोन क्लिफ्स और मैंग्रोव एरियाज बहुत ही सुंदर है, वो अलग टाइप की एक टूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड और फिफी आइलैंड दोनों एक दिन में कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप जेम्स बॉन्ड और फिफी आइलैंड टूर सेम डे कर नहीं सकते और आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों आइलैंड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड है टू द नॉर्थ ऑफ आउ पियर पियर इन फुकेट, वेल फिफी आइलैंड इस साउथ में है। अगर आप दोनों आइलैंड एक दिन में कवर करना ट्राई करते हो तब आप जस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में रश करेंगे और आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फिफी और जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये दोनों कैसे जा सकते हैं? आप फिफी या जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये दोनों आइलैंड में आप स्पीड बोट या फेरी दोनों से भी जा सकते हो। दोनों की प्राइस अलग अलग रेंज की है। स्पीड बोट्स एक्चुअली थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन टाइम सेविंग है। ऑन द अदर हैंड, फेरी का कॉस्ट थोड़ा कम है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। ये फेरी को बिग बोट भी कहा जाता है और दोनों, बिग बोट हो या स्पीड बोट हो, दोनों में ट्रेवल करने में कुछ अलग सा एहसास मिलता है। स्पीड बोट बहुत ही फास्ट से जर्की है लेकिन बिग बोट एकदम काम है, स्मूथ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपका टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपको कैसा आपको चाहिए एक्सपीरियंस वो डिपेंड करके आप स्पीड बोट या फेरी बुक कीजिए। थिंग्स टू डू इन फिफी आइलैंड, आप फिफी आइलैंड में क्या कर सकते हो? नंबर वन, आप कर सकते हो कि स्नॉर्केलिंग आपका इंक्लूडेड होगा पैकेज में, स्कूबा डाइविंग में इंक्लूडेड हो सकते हैं और आप बंदर देख सकते हैं मंकी बीच पे, और जो इतना व्हाइट सैंड ब्यूटीफुल बीच है वहां पे आप आराम करके सनबटिंग कर सकते हो। और आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड में क्या कर सकते हो? जेम्स बॉन्ड आइलैंड में कुछ अलग अलग एक्टिविटीज है, लाइक आप कैनोइंग कर सकते हो और आप केव के अंदर जा सकते हो थोड़ा कैनो, आप स्विमिंग कर सकते हो और आप सनबटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। नॉर्मली जब आप फिफी आइलैंड के टूर देखते हो तब आपको ये पांच आइलैंड ले जाते हैं फिफी आइलैंड टूर में। पहला आइलैंड है बेम्बू आइलैंड। ये बेम्बू आइलैंड एक एक्जॉटिक आइलैंड है और बहुत सारे बेम्बूस है और बहुत ही सुंदर है। इसके जो सैंड है वो कम्प्लीटली व्हाइट सैंड बीच है, वो पहला स्टॉप होगा आपका और वहाँ पे आप रेस्ट लेके एक घंटा मिलेंगे आपको इस आइलैंड में रहने के लिए। और आप क्रिस्टल ब्लूस आप वाटर्स को देखिए, इतना सुंदर है, आप बहुत ही अच्छा लगेंगे ये आइलैंड पे। नेक्स्ट हो गया मंकी बीच। मंकी बीच में आप जो मंकीज है वहाँ उन लोग को आप देख पाएंगे वहाँ पे, और बहुत ही छोटी बीच है ये, कभी कभी सब बोट्स डॉक नहीं करते वहाँ पे, लेकिन आप
शिप से जहाँ पे आपको फेरी हो या स्पीड बोट हो वहाँ से आप देख सकते हैं और आप खिला भी सकते हैं बंदरों को या फोटोज वीडियोज ले सकते हो। नेक्स्ट हो गया माया बे। माया बे जो है ये जो द बीच मूवी था लियोनार्डो डी कैप्रियो का वो उसकी फिल्मिंग स्पॉट है, लेकिन प्रेजेंटली मैं सुना हूँ कि गवर्नमेंट ने माया बे एरिया को लॉकडाउन कर दिया है, कुछ इकोसिस्टम डैमेज किया था बहुत टूरिस्ट आके, इसलिए थोड़ा ठीक होने के लिए दिया है, इसलिए आप वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा स्पीड बोट या फेरी जा सकते हो, आप वहीं से फोटोज और वीडियोज ले सकते हो। नेक्स्ट है पिलेह लगून। ये जगह में आप बोट से डाइव कर सकते हो और स्विमिंग कर सकते हो और आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो इस एरिया पे। नेक्स्ट आ गया फिफी डॉन। ये फिफी डॉन जो है वो मेन एरिया है फिफी आइलैंड की, वहाँ पे बहुत शॉप्स है, बहुत रेस्टोरेंट्स है। अगर आप एक स्पीड बोट पे आते हो तो स्पीड बोट पे फूड आप नहीं खा सकते हो, तब आप इस आइलैंड में आके खाने पड़ेंगे। अगर आप फेरी में आते हो तो आपको खाना फेरी में ही दे सकेंगे। ये फिफी आइलैंड में आपको 2-3 घंटे टाइम दिया जाएंगे और ये फिफी आइलैंड बहुत सुंदर है लेकिन बहुत ही क्राउडेड है, इतना क्राउडेड है कि आप बहुत कमर्शियलाइज टाइप लगता है, लेकिन ये फिफी आइलैंड बहुत सुंदर है। नेक्स्ट दोस्तों जेम्स बॉन्ड आइलैंड में आपको इन 5 आइलैंड्स दिखाएंगे। पहला हो गया पनक आइलैंड। यहाँ पे आप ये केव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो ईगल है ईगल को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हॉन्ग आइलैंड। हॉन्ग आइलैंड में आप कैनोइंग कर सकते हैं, थोड़ा मैंगो फॉरेस्ट और आप लगून को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब अमेजिंग राइड है और बहुत ही अच्छा लगेंगे आपको। लेकिन आपको याद रखिए कि ये जब आप कैनोइंग करते हो या काइकिंग करते हो आप लाइफ जैकेट जरूर पहन के लीजिए, विदाउट लाइफ जैकेट आप बिल्कुल मत जाइए। नेक्स्ट हो गया एक पनिया आइलैंड बोल के है, वहाँ पे एक छोटी सी गांव है जहाँ पे आप लंच कर सकते हो और कुछ अगर सोवेनियर खरीदते हो तब आप सोवेनियर ले सकते हो वहाँ पे। और नेक्स्ट आ गया जेम्स बॉन्ड आइलैंड। ये मेन आइलैंड जो जहाँ पे जेम्स बॉन्ड की मूवी द मैन विद द गोल्डन गन शूटिंग किया गया था और इसलिए इस आइलैंड का नाम जेम्स बॉन्ड है। यहाँ पे कुछ बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की स्पॉट्स है। कुछ आइलैंड में ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस सोवेनियर शॉपिंग है ये सब है, लेकिन आपको बहुत सारे फोटोज यहाँ पे अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे आप अपना जी भर के फोटोज लीजिए वीडियोज लीजिए। और नेक्स्ट हो गया नाका आइलैंड। नाका आइलैंड में आप स्विमिंग कर सकते हो और बीच को देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आ गया आप राइट टूर ऑपरेटर को कैसे चूज करेंगे। अब जब आप फुकेट या क्रबी पे जाओगे वहाँ पे इतने सारे टूर ऑपरेटर्स रहेंगे, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं 2-3 टिप्स देता हूँ जो यूज करके आप एक राइट टूर ऑपरेटर को आप ले सकते हो। पहला पॉइंट है कि आप कॉस्ट को मत देखिए। कुछ कुछ टूर से आपको कॉस्ट बहुत सस्ती मिलेंगे लेकिन वो टूर स्टार्ट होते हैं बहुत देर से, तो ऐसा टूर से आप मत जाइए। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना भी टूर्स हो सके आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए होटल से, तब आपको जल्दी से आपको सब आइलैंड्स कवर कर लेंगे और क्राउड भी कम रहेंगे। अगर आप ज़्यादा देर से निकलते हो बहुत क्राउडेड हो जाते हैं और आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आप एक बार रिव्यूज देख लीजिए ऑनलाइन वो टूर ऑपरेटर का अगर है तो, और अपने जो गेस्ट हैं उन लोग से भी एक बार पूछ लीजिए होटल के उन लोग कौन से टूर्स ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आप जो वहाँ पे नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क की टिकट्स इंक्लूडेड है कि नहीं है आपका टूर में, वो आप कंफर्म कर लीजिए। कुछ कुछ टूर्स में जो है वो ये नेशनल पार्क की एंट्री फीस ऐड नहीं करते और बाद में आपको ये अनसीन एक्सपेंस करके आपको फिर से 600-700 रुपये एक्स्ट्रा पर टिकट देना पड़ता है, तो ये आप इंक्लूड कर लीजिए कि नेशनल पार्क फीस इंक्लूडेड है कि नहीं। नॉर्मली ये पार्क एंट्री फीस इंक्लूडेड होनी चाहिए आपके टिकट्स पे। और दोस्तों आपका जो टूर का टिकट प्राइसेस होंगे वो डिपेंड करेंगे ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है चॉइस ऑफ बोट, आप स्पीड बोट पे जा रहे हो या फेरी पे जा रहे हो। स्पीड बोट्स ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन आपको बहुत टाइम सेव करेंगे और बहुत फास्ट आप पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। नंबर टू, आपके क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूडेड है अपना टूर के साथ। कुछ कुछ जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन लोग कुछ पैक नहीं करते आपका एक्टिविटीज अपना टूर में, जस्ट आपको वहाँ पे ले जाएंगे और पैसा बहुत कम होगा, तो आपको एंजॉयमेंट कुछ नहीं आएंगे। इसलिए आप एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या क्या एक्टिविटीज है, जो जो मैंने एक्टिविटीज बोला था कैनोइंग कायकिंग हो वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूडेड है कि नहीं, वो एक बार आप चेक कर लीजिए।
और आप देख लीजिए कि वहाँ पे लंच इंक्लूडेड है कि नहीं, आप फिर से आप अपने आप लंच लेके जाओगे, फिर वो ज़्यादा हेडेक है, इसलिए सारे टूर ऑपरेटर्स को आप देख लीजिए कि वो लंच इंक्लूडेड है कि नहीं आपका टूर पे। नेक्स्ट आ गया दोस्तों ट्रांसफर्स, जो आपका होटल से पिकअप ड्रॉप है कि नहीं है वो एक बार कंफर्म कर लीजिए। कोई कोई टूर्स आपको पिकअप नहीं करेंगे और पैसा कम लेंगे, लेकिन ऐसा आपको फिर आपके लिए एक्स्ट्रा हेडेक हो गया, इसलिए आप वो देख लीजिए कि आपका होटल से ट्रांसफर इंक्लूडेड है कि नहीं है। नॉर्मली जो टूर ऑपरेटर्स थे वो लोग फ्री पिकअप लेते हैं पाटोंग एरिया से, कैरोन बीच से और काटा बीच से। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम ऑफ द डे, अगर आप इवनिंग को जाते हो तो आप नॉर्मली सब स्पॉट्स कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इवनिंग टाइम को या सेकेंड हाफ में मत जाइए, फर्स्ट हाफ में जाइए। दो तीन पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप फर्स्ट हाफ में जाइए, पूरा टूर कंप्लीट करके आइए। सीजन, अगर ऑफ सीजन में आप जाते हो तब अंडरस्टैंडेबली आपको पैसा कम लगेंगे, जब ब्रोचर में लिखा हुआ है उससे भी आप कम पैसा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आ गया दोस्तों इंश्योरेंस, नॉर्मली जो अच्छा टूर ऑपरेटर्स है उन लोग इंश्योरेंस आपको इंक्लूडेड रहते हैं पैकेज में, लेकिन कोई कोई ऑपरेटर्स इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं करते और एक्स्ट्रा 50 से 100 भाट एक्स्ट्रा ले लेते हैं इंश्योरेंस के लिए, लेकिन आप इंश्योरेंस को कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, इसलिए आप हो सके तो अलॉन्ग विद द पैकेज ही बार्गेनिंग करके इंक्लूडेड कर लीजिए। एंड नंबर 7 ऑब्वियसली बार्गेनिंग, आप जितना उन लोग पूछेंगे, थाईलैंड में बार्गेनिंग चलते हैं बहुत, तो जितना पूछेंगे आप कम करने के लिए ट्राई कीजिए, जितना आप बार्गेनिंग कर सकते हो आपका बार्गेनिंग स्किल से सारे लगा दीजिए और जितना हो सके कम प्राइस पे आप टूर को बुक कीजिए। नेक्स्ट आके दोस्तों ये टूर्स करने के लिए फिफी टूर्स और जेम्सवर आइलैंड टूर जो भी हो, आप क्या पैकिंग करेंगे? पहला बात है कि आपको कुछ स्विमवेयर पैकिंग करने पड़ेंगे या ड्राई फिट क्लोथिंग, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे पानी आपका शरीर में लगेंगे, तो इसलिए ड्राई फिट क्लोथिंग या स्विमवेयर आप पैकिंग करके लीजिए और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़ा आप लेके जाइए। नेक्स्ट आगे दोस्तों थाईलैंड बहुत गर्मी है और आपको धूप में जब आप रहेंगे होल डे, तो इसलिए आपको एक सनस्क्रीन बहुत ही जरूरी है और आप एक सनस्क्रीन आपके साथ लेके जाइए बैग में। नेक्स्ट आ गया आप कुछ वाटरप्रूफ कैमरा लाइक गोप्रो हो या कुछ अलग कैमरा वो लेके जाइए, क्योंकि आपको अपना एक्सपीरियंसेस आप तभी कैप्चर कर पाओगे जब आप स्नॉर्कलिंग कर रहे हो, तब अंडर वाटर कैमरा अगर आप वीडियो खींचेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेंगे, तो इसलिए आप एक वाटरप्रूफ कैमरा अंडर वाटर कैमरा आप लेके जाइए हो सके तो। नेक्स्ट हो गया दोस्तों थाईलैंड में कभी कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए आप एक वाटरप्रूफ बैग लीजिए जहाँ पे आप अपने कैमरा हो मोबाइल हो सारे आप एक जगह में और आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है एक जगह में रख सकते हो। अगर आप लेने के लिए भूल जाते हो तो बोट्स में आपको वहाँ पे रेंट पे मिलते हैं, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा है और आप खरीद भी सकते हो बोट पे, लेकिन प्राइस ज़्यादा है, इसलिए ऑनलाइन बहुत सस्ती में मिल जाएंगे, इसलिए आप एक अंडर वाटरप्रूफ कवर आप अपने फ़ोन और कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए लेके जाइए। ये अचानक कहाँ से बारिश आ गई है, थोड़ा हम लोग फंस गए हैं और पतंग बिक से आए थे और अभी रुकते नहीं, थोड़ा बारिश कम होंगे आशा करते हैं। जहाँ पे एक बंद दुकान में जगह मिला तो हम लोग रुक गए यहाँ पे, आशा करता हूँ कि जल्दी बारिश खत्म हो जाए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया फिफी आइलैंड या जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जैसे कि मैं पूरे आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, दोनों अलग अलग टाइप का टूर है, लेकिन अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं डेफिनेटली फिफी आइलैंड का टूर ही करूंगा अगर मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिफी आइलैंड बहुत ही सुंदर है, कम्प्लीटली व्हाइट सैंड बीच है, क्रिस्टल ब्लू वाटर है और आपको स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, आप अमेजिंग क्लिफ्स को देख सकते हो, इसलिए फिफी आइलैंड टूर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एक दिन है तब आप फिफी आइलैंड टूर कीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तब आप दोनों ही फिफी आइलैंड और जेम्स बॉन्ड आइलैंड कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तब आप एक टूर करके मत आइए, क्योंकि दोनों टूर्स अलग अलग एक्सपीरियंस है, इसलिए आप दोनों टूर्स करके ही आइए अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिफी आइलैंड की टूर ही करें। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय।